Hi guys, welcome back to my channel. So आज मैं create करने जा रही हूँ जन्नत जुबैर रहमानी inspired makeup tutorial. So ये उनके एक picture जो मैंने online देखी थी वहाँ से inspire होके मैंने ये look create किया है. मैं ending में आपको वो pic भी insert कर दूँगी उनकी उनकी actual पिक और मेरे पिक्चर यानी मेरे जो रिक्रिएशन है उसमें आपको फर्क वहाँ पता चल जाएगा. तो यहाँ सबसे पहले मैंने लगा लिया है NY मेकअप प्राइमर आफ्टर कंप्लीटिंग माय CTM रूटीन. तो इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस नेक ईयर्स पे लगा लूँगी. और यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं मन्ना कदार का ग्लो इल्यूमिनेटर फॉर दैट नेचुरल ग्लो. इसको मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा लूँगी और फिर इसको मैं अपने पूरे फेस पे ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ये चंकी नहीं है इसके ग्लिटर पार्टिकल्स. तो ये बहुत ही फ्रॉम विद इन वाला जो ग्लो है वो वैसा देगा. तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा अगर आप इसको अपने पूरे चेहरे पर भी लगा लेते हैं. तो अब लैकमे का 9 to 5 cc क्रीम लेके मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी और इसको अपने फिंगर्स की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक पे थोड़ी सी कवरेज कम हो गई थी तो मैंने इसीलिए दोबारा से सेम सीसी क्रीम को लेके अपने नेक पे अप्लाई कर लिया है. अब एक लूज पाउडर की मदद से मैं अपने फेस को बेक कर लूंगी ताकि मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे. और साथ ही मैं स्मोकी आईज क्रिएट करने वाली हूँ तो इसीलिए मैंने अपने अंडर आई वगैरह को थोड़ा अच्छे से बेक कर लिया है. और बचे कुचे जो फेस पाउडर है उसी से मैं अपने आईज को अपने नेक को हर जगह पे मैं वो लूज पाउडर लगा लूँगी. अब SFR का आईज एंड चीक पैलेट को यूज़ करके इसमें से एक जो कॉन्टोर शेड जैसा है उस शेड को लेके मैं अपने नोज़ को अपने हॉलोज ऑफ द चीक को और अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे कॉन्टोरिंग करते हैं वहाँ वहाँ पर इस स्पॉन्ज की मदद से यानी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कॉन्टोरिंग कर लूँगी. सबसे पहले तो मैं प्लेस कर रही हूँ कॉन्टोर कलर को और इसके बाद में मैं इसको अच्छे से एक ब्रश की मदद से ब्लेंड भी कर लूँगी. तो सेम शीट को यूज़ करके मैं इस ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर ले रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं. ये है शुगर का पैलेट जिसमें कि कॉन्टोर शेड और फिर हाईलाइट शेड और एक ब्लश भी आता है. तो यहाँ से ब्लश यूज कर रही हूँ मैं और इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है. अब मैं यूज कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का आईब्राउ पाउडर जिसकी मदद से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी. तो यहाँ से मैंने ब्राउन कलर का शेड यूज किया है. वैसे तो पिक में जन्नत की जो आईब्राउज हैं वो बहुत ही स्ट्रेट लग रही हैं बट मैं अपने नेचुरल आईब्राउज के जो शेप है उसी शेप के हिसाब से ही फिल कर रही हूँ. मैं अपने शेप को चेंज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. तो गाइस ये है वेट एंड वाइल्ड का रोज़े इन द एयर पैलेट और मेरे हाथ में जो है वो ओके. तो एप्लीकेट एक्चुअली मेरे जो ब्रशेस हैं आई ब्रशेस वो मैंने कहीं रख दिए हैं और मुझे मिल नहीं रहे इसीलिए मुझे आज इस स्पंज टिप एप्लीकेटर से ही काम चलाना पड़ेगा.
क्या करें गाइस, मुझे ये वीडियो बनाना ही बनाना था, तो इट्स ओके। तो इसमें से ट्रांजिशन शेड लेके मैं अपने थोड़ा सा क्रीज लाइन के ऊपर लगा ले रही हूँ, और इसी को मैं कंटिन्यूएशन देते हुए अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा ले रही हूँ। अब ये ऑरेंजी ब्राउन कलर का जो शेड है, इसको मैं अपने आउटर वी पे और अपने क्रीज पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगेन इस सेम शेड को भी मैं नीचे की तरफ, अपने नीचे लैश लाइन की तरफ लेके जा रही हूँ, और मैं इसको पूरे लैश लाइन पे नहीं लगाऊंगी, नीचे की लैश लाइन पे इसको आधे तक ही लेके जाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही स्मोकी आईज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ये डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके मैं अपने पूरे लिड पे लगा लूंगी, अपनी जो दोनों आईलिड्स हैं उस पे लगा लूंगी, एक्सेप्ट फॉर माय आउटर वी, क्योंकि वहाँ पे मैंने दूसरा शेड लगाया है। तो इसको भी मैं नीचे के लैश लाइन पे लगाऊंगी। और गाइस, आप ट्राई करें कि आई ब्रशेस को यूज़ करें अच्छी क्वालिटी के, तो आपको आपकी जो ब्लेंडिंग है आई मेकअप की, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैंने इसी से काम चला लिया, बट उससे ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये SFR की ही आई शेडो पैलेट से मैं ग्लिटरी ब्लैक कलर का शेड लेके अपने पूरे आईलिड पे अपने फिंगर्स की मदद से लगा लूँगी। बहुत ही इंटेंस ब्लैक कलर है इसका, और इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं, तो ये इस लुक को और भी अच्छा बना देगा। तो गाइज, जब मैं इसको लगा रही थी ना, तो पहले मुझे लगा कि मैंने सही लगाया है, बट बाद में पूरा आई लुक क्रिएट होने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये और थोड़ा ऊपर तक लगाना चाहिए था अपने आईलिड पे। यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो इसको मैंने बाद में ठीक कर लिया था। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ ब्लेंडिंग वही स्पंज टिप एप्लीकेटर की मदद से, और ब्लैक और ब्राउन शेड्स को लेके मैं तब तक अच्छे से ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे डिज़ायर कलर ना मिल जाए। ये मैं ले रही हूँ फ्रीडम का हाइलाइटर, और ये है शेड ब्राइटनिंग में, इसको मैं अपने ब्राउ बोन पे लगा लूँगी, और आप चाहे तो इसको इनर कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हैं। अब मैं ब्लैक कलर का और फिर ब्राउन कलर का शेड, जो शेड्स मैंने पहले यूज़ किए थे, उन्हीं शेड्स को यूज़ करके मैं अपने लोअर लिड पे भी लगा ले रही हूँ, यानी लोअर लैश लाइन पे भी लगा ले रही हूँ, और थोड़ा सा स्मोक आउट कर ले रही हूँ। अब जो भी फॉल आउट्स हैं उसको मैं अच्छे से ब्रश और फेस पाउडर, लूज पाउडर की मदद से डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ, और सेम जो हाइलाइटिंग शेड है उसको लेके मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा ले रही हूँ। तो इसी हाइलाइटर के ऊपर मैंने एक और हाइलाइटर लगाया है रोजे इन द एयर पैलेट से, तो इसमें एक शैम्पेन सा शेड है जिसको लेके मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा ले रही थी। और फिर इसके बाद ये है बेला वोस्टे का लिक्विड लिपस्टिक, वन ऑफ माय फेवरेट्स, ये है इन दिस शेड सिनेमन, बहुत ही प्यारा सा शेड है, न्यूड काइंड ऑफ शेड है, तो कुछ इस तरह का लुक लग रहा था। अभी पूरा लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच बीच में मैं खुद को निहारने लग जा रही थी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये मैं लगा रही हूँ मस्कारा, ये एक आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड एग्जैक्टली, ये ब्लू हेवन का है या कौन सा है, बट आई डोंट थिंक ये ब्लू हेवन है, कोई अच्छा सा ये ब्रांड है, बहुत अच्छा मस्कारा है। अब मैं मार्स का मेकअप फिक्सर लेके अच्छे से अपने पूरे फेस के मेकअप को सेट कर ले रही हूँ, और मेकअप स्पंज से डैप डैप कर लिया है मैंने। तो गाइज, ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि ये लुक कितना अच्छा सा क्रिएट होके आया है। आई होप कि आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।